नाक, कान और गला ये सिर से जुड़े हुए तीन मुख्य अंग हैं, जो इंटरनली भी कनेक्टेड होते हैं। एक ही डॉक्टर ENT यानी ईयर, नोज और थ्रोट का इलाज करते हैं। कान, नाक व गला का संक्रमण किसी को भी हो सकता है, फिर चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। ईयर, नोज और थ्रोट की बीमारियों को देखने वाले डॉक्टर को ENT स्पेशलिस्ट या ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट कहते हैं। आइए देखते हैं ईयर, नोज और थ्रोट और इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट सृजन गुप्ता की लोकनाथ से खास चर्चा। नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सृजन गुप्ता जी। हेलो डॉक्टर। हेलो, नमस्ते सभी को। मेरा नाम डॉक्टर सृजन गुप्ता है। मैंने यहाँ डबरा का ही रहने वाला हूँ। यहाँ मैंने जब अपनी 12th में था तब मेरे ऑल इंडिया PMT में परीक्षा में 117 रैंक आई थी, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ से सफदरजंग से मैंने अपनी MBBS की परीक्षा, MBBS की डिग्री हासिल करी। उसके बाद वहीं से ही फिर मैंने RML हॉस्पिटल से MScNT कंप्लीट किया। अभी मुझे 2 साल हो चुके हैं एक्सपीरियंस को, और इसके कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने जयपुर में एक इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल है JNENT हॉस्पिटल, वहाँ पर जाके उसकी और ट्रेनिंग करी, और अब जाके मेरे को कॉन्फिडेंट फील हुआ, तो मैं चाहता था कि मैं ग्वालियर में आकर अपने लोगों की सेवा दे। डॉक्टर, आपने लाइफ के किस स्टेज पर सोचा कि मुझे ENT डॉक्टर बनना है, या क्या इसके पीछे रीज़न रहा जो आपने ENT चूज करा? एक्चुअली मेरे फादर भी ENT सर्जन है डबरा में, डॉक्टर सुधांशु गुप्ता। तो हमेशा से ही मेरा इंटरेस्ट था कि मैं अपने फादर के साथ और अपने सेटअप अपने यहाँ और ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही है। टॉकिंग अबाउट ENT या ENT के बारे में अगर आपको बताऊँ तो ENT में ईयर, नोज एंड थ्रोट की प्रॉब्लम से हम डील करते हैं। इसमें ईयर, नोज एंड थ्रोट कहा जाता है, बेसिकली जो गर्दन होती है हमारी, ये जो वो सारी गर्दन की भी जो भी सूजन वगैरह रहती है वो सब भी हम इसी में ही डील करते हैं। इवन चेहरे पे भी कोई जो अंदरूनी सूजनें रहती हैं वो सब भी हम ENT में ही डील करते हैं। तो अब इसमें मैं अगर आपको बताऊँ तो ईयर के बारे में अगर बताऊँ मैं, कान में, तो कान में क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं? कान में कई लोगों को, सबसे पहले तो मैं कान के बाहरी हिस्से की बात करता हूँ, इसको कहा जाता है पिन्ना। तो इसमें जो तकलीफ आती है, कई बार लोगों, जो कई लड़कियाँ जो होती हैं, जो यहाँ पे तो नीचे की तरफ तो कई लड़कियाँ छिदवाती हैं, बट जब लड़कियाँ जो ऊपर की तरफ जो छेद कराते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर वाले हिस्से में कार्टिलेज होता है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है कि जब वो छेद वहाँ पे कराते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि पूरे में कान में इन्फेक्शन हो जाता है और पूरे कान में सूजन आ जाती है बाहर की तरफ, और इसको एक पेरिकोंड्राइटिस कहा जाता है। और कई बार क्या होता है कि अगर इन्फेक्शन, सूजन नहीं आती तो उसके अलावा भी यहाँ पे गांठ टाइप डेवलप हो जाती है, किलोइड कहा जाता है उसको। तो ये सब दिक्कतें हो सकती हैं अगर आप कहीं बाहर कान छिदवा रहे हैं यूँ, जो क्योंकि अगर उन्होंने कार्टिलेज में डैमेज कर दिया तो उसके कारण, इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप यहाँ के छेद के लिए कोई बात नहीं है, बट अगर ऊपर के छेद हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप किसी ENT सर्जन से करें। इसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें मैं बता सकता हूँ, आज तो थोड़ा शॉर्ट में मैं आप सभी को बता रहा हूँ इसके बारे में। तो कान में अगर देखा जाए तो कान में दर्द होता है, कई लोगों को होता है एकदम अचानक दर्द होता है, कई लोग इमरजेंसी आते हैं दर्द का। तो कान में दर्द के बेसिकली कई सारे कारण होते हैं, और आप मतलब कई लोग होते हैं कि कहीं गए मेडिकल स्टोर पे जाके ईयर ड्रॉप डाल ली, किसी ने लिया तो आपने या आपने किसी अपने खुद ही ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, चाहे वो ईयर ड्रॉप्स डाल लें या उनको रीजन भी नहीं पता होता क्यों डाल रहे हैं, बट यही है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि कान में दर्द होता है इसका मतलब क्या है कि कान में इसके वैसे कई कारण होते हैं, उनमें से एक कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि कान में एक जो अंदर मिडिल ईयर बोला जाता है उसमें अगर इन्फेक्शन होता है उसके कारण भी कान में दर्द होता है, तो उसको वैसे बोला जाता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो अगर उसमें उसके कारण दर्द होता है तो वो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के कारण धीरे धीरे पस बनना चालू होता है, अब वो पस बनते बनते पस जो है कान के पर्दे में से फट के बाहर आता है, तो अगर जब वो पस बाहर आता है उसके बाद कान के पर्दे में छेद हो जाता है, और वो बाद में अगर आप जैसे दवाइयाँ भी लेंगे तो वो होता क्या है कि वो पर्दे में से जो इन्फेक्शन, पस वगैरह सब ठीक हो जाता है लेकिन वो छेद परमानेंट रह जाता है। तो उस छेद की वजह से तो डॉक्टर जो हियरिंग प्रॉब्लम है वो भी हो सकती है, उस छेद के कारण हियरिंग प्रॉब्लम भी होती है, और उस छेद के कारण ये भी होता है कि जब भी आप जो लोग जब भी आपके कान में पानी जाता है नहाते वक्त तो वो इन्फेक्शन आपको बार बार होता रहता है,
वो छेद आपको लाइफ लॉन्ग तंग करता है। उसके अलावा जैसे आपकी हियरिंग में भी जो वो रहता है, जैसे उम्र के साथ जो हियरिंग कम होती है लोगों की, कईयों की 70 में कम होती है, जिन लोगों के पर्दों में छेद रहता है उनकी 40 30 तक भी कम हो सकती है। तो इसलिए अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो आप उसका एक ENT सर्जन को जरूर दिखाएं। इसके लिए एक नॉर्मल सी ऑपरेशन होता है टिम्पैनोप्लास्टी, तो उससे वो पर्दे में छेद ठीक किया जा सकता है। और अब मेन बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि बेसिकली कान में कभी दर्द है, अगर आपने उसी टाइम पे जब दर्द हुआ था तभी अगर आपने ENT सर्जन को दिखा लिया होता और अगर उसने आपको सही एंटीबायोटिक दे दी होती जिसके कारण वो इन्फेक्शन नहीं होता, तो वो पर्दे में आपके छेद नहीं हुआ होता, उस स्टेज तक ही नहीं पहुंचता। हाँ, फिर वो आपकी सर्जरी के स्टेज, आज की डेट में हम देखें तो शहर में कई सारे लोग हैं जिनके पर्दों में छेद हैं, जो लोग सर्जरी के पीछे इधर उधर भाग रहे हैं, या कई लोग हैं जो कहीं भी सर्जरीज करा रहे हैं और जिसके कारण उनको दोबारा सर्जरीज भी करानी पड़ रही। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमेशा अपने फील्ड के बेस्ट जो भी हैं उन्हीं के पास आप जाइए, और जो भी स्पेशलिस्ट है उन्हीं के पास जाइए, क्योंकि कई लोग होते हैं कान में दर्द हुआ ड्रॉप डाल दी, या वो उनसे उनका ना दर्द ठीक हुआ बाद में छेद हो गया। इवन अगर मैं बताऊं तो ये जो बार बार इन्फेक्शन होता रहता है कान में, इन सबसे क्या होता है कई बार हड्डी गलने की बीमारी भी चालू हो जाती है, जो कान की अंदर की हड्डियां गलती हैं, और ये जो बीमारी है अंदर दिमाग तक भी जा सकती है, और इससे ब्रेन एब्सेस स्ट्रोक वगैरह बहुत घातक चीज़ें भी हो जाती है। कई लोग बाग होते हैं जो उनके कान में कई टाइम से कान बहरा होता है, दर्द होता है, और एकदम से ब्रेन एब्सेंस वगैरह की दिमाग की भी चालू हो जाती है, उनको दौरे आने चालू हो जाते हैं। तो इस तरह से लोगों को सही टाइम पे ही अपना इलाज शुरू करा देना, अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए उतना अच्छा रहता। और इसके अलावा जैसे मैं बताऊँगा आपको अगर नाक के बारे में, तो जैसे नाक में भी आजकल जैसे चल रहे हैं ठंड का मौसम चल रहा है, तो कोल्ड के कारण लोगों को बेसिकली एक एलर्जी नाम की चीज़ होती है। एलर्जी जो होती है ऐसा नहीं है नाक में है या कान में है या कहीं, ये आपके पूरे ब्लड में है, बट ये नाक में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि ये बहुत एक्सपोज पार्ट होता है। तो आजकल लोग कोल्ड टेम्परेचर के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एलर्जी हो रही है, जिसके कारण छींकें आ रही हैं, अब और कई लोगों को खांसी भी हो रही है। इवन अब ये जो खांसी हो रही है लोगों को, कई लोगों की खांसी है, लोग बस कफ सिरप ले रहे हैं ठीक नहीं हो रही, फिर वो पूछ रहे हैं कि क्या रीज़न है क्या है। तो एक्चुअली मैं बताऊंगा कि ये खांसी एक मतलब उसके कई सारे कारण होते हैं। अगर आप ऐसे यूं ही आप सोचें कि कफ सिरप लेके या कुछ दवाइयाँ देके या किसी ने एंटीबायोटिक खा ली उससे ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका थोरो चेकअप होता है, प्रॉपर हमारे यहाँ जैसे लेरिंगोस्कोपी एंडोस्कोप वगैरह डाल के हम पूरा चेक करते हैं। और ये खांसी जो है कई कारणों के कारण होती है, एसिडिटी के कारण भी है, जो एसिड आता है गले का उससे भी खांसी हो जाती है। कई बार ये खांसी सिर्फ गले तक होती है, कई बार ये खांसी अंदर चेस्ट तक चली जाती है, तो उसके लिए जो लंग्स से खांसी वो कफ सिरप वगैरह से ठीक नहीं होती, फिर उसके लिए अलग दवाइयाँ दी जाती है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप लोग अगर ऐसी खांसी है तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट ENT स्पेशलिस्ट नहीं जाके ENT स्पेशलिस्ट है वो उसका रूट कॉज देख के बता सकता है कि क्या है, और उस रूट कॉज पे वर्क किया जाए तब जाके वो प्रॉपर ठीक होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कॉम्प्लिकेशन है कि आदमी कई आपने देखे होंगे नौजवान लड़के जिनकी 40 साल 30 साल 35 साल में जिनकी सुनाई की शक्ति जा चुकी है और आज वो चीज़ को फेस कर रहे हैं कि नॉर्मल काम करने में दिक्कतें आ रही है। अब अगर उन्होंने सही टाइम पे एक सही इंसान को दिखाया होता तो एक नॉर्मल बस एक OPD उस पर ही वो उनकी लाइफ टाइम की दिक्कत बच सकती है। तो एक सही टाइम पे सही स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, रादर देन कि आप पहले कुछ ना करें और फिर बाद में फिर आप घूमते रहें कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें एक वर्किंग मोड में लाने के लिए आप सर्जरीज करें ये करें। तो उससे इसलिए मैं खुद ही एडवाइस करूंगा कि आपको जैसे ही कोई प्रॉब्लम हो तो आप पहले सही टाइम पे सही डॉक्टर को दिखाएं। हाँ, सही टाइम पे सही डॉक्टर को दिखाएं, ये एज अ मस्ट होना, क्योंकि फिर आगे जब आप प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है तो वो वापस ठीक भी नहीं हो पाएगी। हाँ, वो या जब अगर सुनाई की शक्ति अगर लोगों की चली जाती है तो इसका आज की डेट में हियरिंग एड वगैरह जो लगते हैं वही एक इलाज है, और अगर उससे भी ठीक नहीं हो रही है, जब हियरिंग एड जो होते हैं वो बेसिकली आपकी क्या कहते हैं अगर नस एकदम ही खत्म हो चुकी है तो उसमें हियरिंग एड भी काम नहीं करते, तो उनमें फिर आपको इम्प्लांट वगैरह लगते हैं आजकल जो हम बहरे बच्चों में लगा रहे हैं, वो अभी रिसेंटली बाहर के देशों वगैरह में चालू हुए हैं लगाना, वो 10 लाख रुपये का एक इम्प्लांट आता है। तो अगर किसी आदमी को बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रहा है बुढ़ापे में भी तो वो भी लगवा सकता है अगर उसके पास इतने सुविधाएँ हों तो। तो इसलिए बेटर है कि आप पहले से ही सही टाइम पे वो करें। इसके अलावा जैसे मैं एक और भी आपको केस बताना चाहूँगा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं कई सारे, उनके
गले में टॉन्सिल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा कई बार, में ये बहुत कॉमन हाँ, देखने को मिलता है। बार बार गले में दर्द होता रहता है, बार बार लोग बाग जाते हैं, किसी को भी दिखाते हैं इधर आरएम जो भी, तो वहाँ पे जाके एंटीबायोटिक लेते हैं, ठीक हो जाता है। और बच्चा बार 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 परेशान होता रहता है टॉन्सिल्स के, बार बार वो उसको प्रॉब्लम होती है, बार बार वो स्कूल मिस करना पड़ता है उसको एक हफ्ते। कल को बच्चा होता है, जब वो एक एडल्ट एज में आ जाता है तो आप मान के चलिए कल को एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, और उसको तब भी ये दिक्कतें रहे कि हर दो महीने में उसको गले में एकदम दर्द चालू हो जाए। गले में दर्द के कारण वो पूरे एक हफ्ते तक कुछ सोच नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, रात में सो नहीं पा रहा है, तो इस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी वो भी आपकी खराब होती है। तो सिर्फ सर्जरीज या जो इलाज जैसे जान बचाने के लिए नहीं होता है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ठीक करने का, अगर उस बच्चे का सही टाइम पे ट्रीटमेंट होता तो आज शायद वो एक अपनी लाइफ में और ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुके हैं। तो इस तरह से वही बात है, तो इसके लिए भी टॉन्सिल्स जो होते हैं इनके लिए भी सर्जरीज होती है, टॉन्सिलेक्टमीज होती है। तो ये बाहर हमारी जो है ये नाक का सेप्टम होता है बाहर की तरफ, तो कई बार ऐसा होता है कि ये ज़्यादातर लोगों में टेढ़ा ही होता है, बट किसी किसी लोगों में जिनमें ज़्यादा टेढ़ा होता है उनको ये नाक बंद होने की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, और साथ में जो एलर्जी की दिक्कत रहती है वो भी उनको बहुत ज़्यादा बार बार होती रहती है। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो इसलिए नॉर्मल सी सर्जरी होती है, सेप्टोप्लास्टी बहुत ही क्विक सर्जरी है, मुश्किल से हाफ एन आवर की सर्जरी है, और सेम डे आपको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा, कुछ दिन एक दो दिन पट्टी रहती है, और इससे आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो मैं चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत ही उसमें कराएं। इसके अलावा जो और भी मैं दूसरी आपको बताना चाहूँगा, ये नाक में अंदर की तरफ अगर देखेंगे तो साइनसिस भी होते हैं, जैसे ये जो आप यहाँ आपकी चीक की तरफ आपको ये बोन ही प्रोमिनेंट बोन फील हो रही है, तो यहाँ पे इसके अंदर एक साइनस है, यहाँ पे जो फोरहेड या माथे की तरफ यहाँ पे जो आपको बोन फील हो रही है यहाँ पे भी अंदर साइनसिस है। तो लोग बात बोलते हैं मेरे को साइनस की शिकायत है, साइनस इसमें साइनसिस में होता क्या है कि ये जो साइनसिस हैं सारे, ये सारे नाक के थ्रू ही इनका जो अंदर का मटेरियल है जो म्यूकस रहता है वो नाक के थ्रू ही निकलता है। तो होता क्या है कि कई बार इनकी ओपनिंग जो होती है नाक में उसमें ब्लॉकेज के कारण फिर वो म्यूकस इकट्ठा रहता होता है, कई बार उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो पस बन जाता है, और फिर भी बहुत तेज़ पेन होता है। तो कई बार लोगों को यहाँ सर में दर्द हो रहा है, कभी यहाँ पे दर्द हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है, तो ये कोल्ड होता है तभी पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, और स्पेशली कोल्ड में ये पेन बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाता है। तो लोग बाग इन जाते हैं कभी ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट के पास, आंख वाले के पास चले जाएंगे, कभी ब्रेन वाले के पास चले जाएंगे कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, बट ये सब दर्द जो है आपका काफ़ी केसेस में साइनस के कारण भी होता है, रूट कॉज पता नहीं होता अगर ये पता। और अगर इसके साथ में आपको अगर नाक में शिकायतें लग रही हैं, नाक में से वो आ रहा है, चीखे आ रही है, नाक में दिक्कत है, तो आप मान के चलिए कि कंफर्म ये साइनस के कारण ही है। तो इन चीज़ों में अगर आप हैं तो आप एक ENT सर्जन को दिखाइए, और कई लोग होते हैं जिनका ये इजिली दवाइयों से बहुत ठीक हो जाता है, बट किसी किसी में इसके ऑपरेशन वगैरह भी किए जाते हैं, वो अगर ज़्यादा ब्लॉकेज है अगर नहीं ठीक हो रहा है वो किसी भी चीज़ से आपका, मतलब दो तीन महीने से ऊपर का ब्लॉकेज है, तो वो डेफिनेटली फिर उसके लिए फिर ऑपरेशन या सर्जरी, बट मोस्टली केसेस में मेडिसिन से ठीक हो जाता है बिल्कुल। और इवन ये जो मैं गर्दन के बारे में भी आपको कुछ बताना चाहूँ, जैसे लोग बात सोचते हैं कि ENT मतलब सिर्फ थ्रोट तक ही आता है, बट ये जो बाहर की गर्दन की भी कई सारे नेक एरिया है ये भी पूरा, अगर इसमें भी अगर आपको कोई गांठ है, कोई सूजन है, अब ये जो सूजन है ये कई तरह की हो सकती है, ये या तो ये इन्फेक्शन की एब्सेस हो सकती है, या फिर ये आपकी क्या कहते हैं ये कोई गांठ हो सकती है। जो इन्फेक्शन वाली एब्सेस होती है वो कुछ टाइम की होती है, 7-8-10 दिन की होती है, उसमें इन्फेक्शन हुआ होता है, पस होता है, एंटीबायोटिक वगैरह आप लेते हैं, सही एंटीबायोटिक वगैरह आप लेते हैं, और साथ में वो पस अगर सही तरह से निकाला गया, जैसे कई लोग होते हैं कि कहीं भी जाके चीरा लगवाते हैं, ऐसा नहीं, आप अगर सही तरह से निकालेंगे तो वो और सही एंटी वो ठीक हो जाता है, बट ऐसा ना हो कि आपने कहीं और निकल मतलब कहीं ऐसी जगह निकाला है जिनको नॉलेज नहीं है और वो पस अंदर जाके अंदर फैल गया, तो वो फिर और कहीं इन्फेक्शन करे, वो जानलेवा ही है। तो दूसरी बात ये, तो या तो इसमें एब्सेस हो सकती है या फिर इसमें गांठ होती है, तो ये गांठ जो होती है कई लोगों के बड़े टाइम से यहाँ पे थोड़ा हार्ड सा फील हो रहा होता है, यहाँ पे गांठ फील हो रही थी, यहाँ गांठ फील हो रही थी, तो ये जो गांठें हैं ये इनके कई कारण होते हैं, ये TB के कारण भी हो सकती हैं ऐसी गांठें, और इनमें कोई दर्द नहीं होता है, कोई वो नहीं होता है, आदमी सोचता है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा तो मैं क्यों इसको दिखाऊं, बट इनको दिखाना ज़रूरी होता है, इनका अगर आपको किसी भी तरह की गांठ है उसे चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो टीबी के कारण है तो कुछ टाइम में 3-4 महीने वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर उस आप टीबी की दवाइयाँ सालों तक खाते रहेंगे तो भी वो ठीक नहीं होगा। मेरे साथ देखें ऐसे कई मरीज उनकी टीबी की दवाइयाँ खाने के बाद भी वो गांठें पूरी तरह नहीं जा पाती। दूसरा, अगर आपको कई कई मरीज होते हैं जिनके अंदर ये कैंसर की गांठें डेवलप हो जाती हैं, अगर ये कैंसर की गांठें डेवलप हो जाती हैं तो ये पता नहीं चलेगा कि आपको और कहाँ कहाँ फैल चुकी हूँ। कई बार ऐसे मरीज होते हैं कि जिसके सिर्फ गर्दन में सिर्फ गांठ होती है और पूरे गले में ना खाने पीने में कहीं कुछ ना होता है ना कोई दिक्कत होती है, बट सिर्फ ये गांठ के कारण उसका कैंसर इतना फैल जाता है, और जब तक इस गांठ की जाँचें वगैरह होती है तब तक वो कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका होता है।
तो इस तरह से अगर कोई भी ऐसी आपको शिकायतें हैं तो आप डेफिनेटली बताएं। इसके अलावा जो मैं और आपको बताना चाहूँगा, ये आँख से भी पानी आता है लोगों कई सारे, तो जो आँख से पानी आता है इसका मेन जो कॉज रहता है बेसिकली ये जो हमारी डक्ट होती है इसका ब्लॉकेज के कारण, ये जो डक्ट होती है ये जो आंसू की डक्ट होती है यहाँ पे इसकी ग्रंथि होती है और ये जो डक्ट होती है नाक के अंदर जाके खुलती है। तो अगर ये कई बार ऐसा होता है कि नाक के अंदर ब्लॉकेज होता है और उसके कारण ये जो आँख से पानी आता रहता है, तो उसमें भी यही होता है कि जो अगर नाक के अंदर वाला ब्लॉकेज खोल दिया जाए तो वो पानी नहीं आएगा, तो उसका भी इलाज जो है तो हमारे ENT से ही होता है। इसके अलावा एक और जो मैं आपको बताऊंगा, एक एडिनोइड नाम की भी एक चीज़ होती है, नाक के पीछे होता है, टॉन्सिल की तरह एक मास होता है, लिम्फ नोड का ही मास होता है। अब इसमें ही होता क्या है कि नाक के पीछे होता है तो इसके कारण नाक बंद रहती है बच्चे की। अब जब बच्चे की नाक अगर बंद रहती है तो वो मुँह से सांस लेता है पूरे टाइम, वो मुँह से सांस लेता है, तो रात में सोते टाइम भी उसका मुँह खुला ही रहता है और वो मुंह खुला रहने के कारण वो उसका मुंह खुला रहता है और उसके कारण स्ट्रक्चर फेस भी फिर डिफरेंट होता होगा उसका, क्या कहते हैं, उसके दांत बाहर आ जाते हैं, उसकी नाक एकदम खुली खुली हो जाती है और इवन उसका जो अंदर का पैलेट है वो भी ऊंचा हो जाता है। इसके कारण बेसिकली एक फेशियल डिसफिगरमेंट हो रहा है उस बच्चे का। और दूसरी बात इसके अलावा और क्या रहता है कि ये जो पीछे का मास रहता है इसके कारण लाइफ लॉन्ग एलर्जी डेवलप कर लेता है, और ये जो एलर्जी होती है इतनी भयानक एलर्जी, ये धीरे धीरे करके अस्थमा में भी डेवलप हो जाती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर इस टाइप की बीमारियाँ आगे बढ़ने से पहले ही आप इनको पकड़ ली जाए, और इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप किसी भी ENT सर्जन के पास जाएंगे, वो एक एक्सरे या एंडोस्कोपी से इसमें पता लगा सकता है कि हाँ अगर एडेनोइड है तो बेटर कि आप उसको निकालें, क्योंकि ये पता नहीं चलता है लेकिन जब बड़े होते हैं तब उन चीज़ों का आपको, और जितनी छोटी एज होती है उस टाइम पे निकालना या ऑपरेट करना उतना इजी होता होगा। हाँ, जितना छोटा रहता है उतना इजी रहता है। और जैसे अभी सर्दियों का मौसम भी चल रहा है तो कफ एंड कोल्ड तो है ही, साथ में थ्रोट इश्यूज भी लोगों को काफी होते हैं, गला खराब हो जाना ये होना, तो इसमें क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे ना ये इन्फेक्शन ना हो, या इन इन्फेक्शन के कॉजेज क्या क्या होते हैं? देखिए इन्फेक्शन के कॉजेज कई सारे होते हैं, बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होता है, वायरस के कारण इन्फेक्शन होता है, फंगस के कारण इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन को कोई भी ऐसे इतना खुद से नहीं इम्प्रूव कर सकता, बस अपने आसपास सराउंडिंग साफ रखें, रखा हुआ खाना रूम पे नहीं खाएं भी नहीं और रूम पे रखें भी नहीं, ये बैक्टीरिया ये सब जो वायरस वगैरह होते हैं ये सब इन्हीं में ही डेवलप होते हैं, गंदगी में और ये जो पुराने खाने वगैरह इन सब, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। और बाकी फिर भी अगर है तो इन चीज़ों को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, बस यही है कि अगर आपको ऐसा होता है तो आप एक सही डॉक्टर को सही टाइम पर दिखाइए, क्योंकि अगर मान लो आपको इन्फेक्शन फंगस का हुआ है, जैसे कान में भी होता है, हमारे कान में फंगस लग जाती है, अब कई लोग हैं जो कहीं भी दिखाते हैं फिर वो कुछ भी ड्रॉप डालते रहते हैं, वो बैक्टीरिया वाली ड्रॉप मिल जाती है उनको फार्मासी और उसके बाद वो फंगस का इन्फेक्शन ठीक ही नहीं होता है, तो इसलिए बेटर है कि आप सही उनको बताएंगे, वही आपको बता पाएंगे कि मतलब कौन सा इन्फेक्शन है उसका लिया क्या ठीक है। और इसके अलावा मैं एक और जो आप लोगों से भी बताना चाहूँगा, जैसे जो लोग बीड़ी तम्बाकू पान मसाला गुटखा ये सब ज़्यादा सेवन करते हैं, देखिए मैं कहना चाहूँगा कि इन सब से बहुत कॉमनली जो है हमारे ओरल कैंसर डेवलप होता है, मतलब मुंह का कैंसर डेवलप होता है और मुंह का इवन गले का भी कैंसर होता है और अंदर ये बोलने की तार होती है वहाँ पे भी इससे काफ़ी जल्दी कैंसर होता है, खासकर बीड़ी या सिगरेट स्मोकिंग। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस टाइप की आपकी हिस्ट्री है और खासकर जो शराब भी पीते हैं तो इनसे इसके रिस्क और डबल हो जाते हैं। अगर आपको जैसे कई लोगों को होता है छाला आता है तो लोग बाग इग्नोर करते हैं कि कोई नहीं छाला है कोई नहीं कोई बात नहीं, हाँ दर्द होता है तो उस टाइम बाद ठीक हो जाता है, कई ऐसे छाले होते हैं कई, लेकिन कुछ छाले अलग होते हैं जो अल्टीमेटली दर्द भी नहीं करते हैं, धीरे धीरे करके गांठ में बदल जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी ऐसा कुछ छाला लग रहा है ऐसा मत समझिए कैंसर, मतलब एकदम पूरा चेहरे पर ही पूरा वो आ जाएगा, हमारा टारगेट ये है कि हम कैंसर जो भी है इन सबको अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करें और उसका अर्ली ट्रीटमेंट, मेरा हमें हर चीज़ में यही टारगेट है कि किसी भी चीज़ों से ज़रूरी नहीं है इन सबसे आपकी जान जाएगी या नहीं जाएगी, बात वो नहीं है, बात ये है कि आपकी लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ और आप जो अपने करियर में जो अचीव कर सकते हैं
वो सब चीज़ें मैं ख़राब नहीं होने देना चाहता। तो इसलिए अगर मैं चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा भी गांठ वगैरह डेवलप होती है तो आप ज़रूर एक ENT सर्जन को दिखाएं और उसका एक कायदे से आप बायोप्सी कराएं। अगर बायोप्सी में अगर वो रिपोर्ट आती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी रहेगा, और कई बार वो नॉर्मल भी आती है, 90% केसेस में नॉर्मली आती है, तो आपका भी सुनिश्चित रहेंगे और हमारा भी फर्ज रहेगा कि अगर हमने ऐसा कुछ देखा है तो एटलीस्ट वो नॉर्मल आया है और उस तरह से। और ये कई बार बोलने की तारों में भी हो जाती है, जो मैंने बताया बीड़ी स्मोकिंग, तो अगर आपकी आवाज बदल रही है या ऐसा कुछ हो रहा है या तो इनिशियल सिम्टम्स जिनसे पता लगाया जा सकता है। इनिशियल सिम्टम सबसे पहला जो सिम्टम आता है इसका बोलने की तारों वाला, उसमें आवाज बदलती है आपकी, तो अगर आपकी आवाज ऐसी बदल रही है तो फिर आप सबसे पहले दिखाइए, क्योंकि आवाज़ वैसे तो और भी कई सारे कारणों के कारण बदल जाती है, बट ये कैंसर की गांठ के कारण भी बढ़ती है। अगर आपकी हिस्ट्री है 5-10 साल स्मोकिंग वगैरह की, तो आप डेफिनेटली एक बार एक ENT स्पेशलिस्ट को एक रूटीन चेकअप के लिए, एक बेसिकली रूटीन चेकअप इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल पीपल, बट जो स्पेशली जो स्मोकर्स और हैं क्रोनिक, उन लोगों के लिए मैं एक प्रेफर करूँगा कि अगर आपको कुछ इशू आता है या कुछ डिफरेंट फील होता है अपनी बॉडी में, तो ज़रूर एक रूटीन चेकअप ले रहे हैं। तो मतलब हम एडवाइस तो यही करें कि वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ना करें, बट अगर वो करते भी हैं तो एक रूटीन चेकअप उनके लिए ज़रूर कराना चाहिए, जिससे वो आगे फ्यूचर में आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकें। बिल्कुल, डेफिनेटली। और इवन जैसे ENT का मैं आप स्कोप बता रहा था, तो जैसे हमारी ग्रंथियाँ भी होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड करी जाती हैं, जैसे एक थायराइड की जो है, तो थायराइड की ग्रंथि यहाँ कुछ होती है और यहीं पर इसकी सूजन आ जाती है। एक पैरोटिड की भी, ये सब पैरोटिड की ग्रंथि होती है, कान के नीचे होती है, तो इसकी यहाँ पर भी इसकी सूजन कान के नीचे आपको मिलेगी। और एक सबमैंडिबुलर की ग्रंथि होती है, तो ये अपनी जो जॉ है उसके नीचे होती है। तो अगर ऐसी कोई सूजनें आपको मिलती हैं इस टाइप की, तो इनको नॉर्मल ना लें और इनको तुरंत आप दिखाइए, क्योंकि इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई कैंसर वगैरह है। ये नॉर्मली ये जो मैंने बताया ग्रंथियाँ होती हैं, ये जैसे थूक की लार की ग्रंथियाँ होती हैं सीधे दो की, तो कभी कभार उनके डक्ट के ब्लॉक वगैरह के कारण ये इनमें सूजन आ जाती है, तो वो उनको अगर आप किसी ENT सर्जन को दिखाएं वो ठीक किए जा सकते हैं। तो ये सब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की ये सब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का काम है। सो डॉक्टर, आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एंड हम ये प्रे करते हैं कि ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी हेल्पफुल हो, और अगर आपको कभी भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आए ENT से रिलेटेड, तो आप सबसे पहले एक ENT स्पेशलिस्ट को ही जाके दिखाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सज्जन गुप्ता, जिन्होंने ईयर, नोज और थ्रोट के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। यदि आप डॉक्टर सज्जन गुप्ता को दिखाना चाहते हैं तो आप स्वास्तिक हेल्थ केयर शंकर चौक ललितपुर कॉलोनी में आ सकते हैं, और आप अपोलो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 8109529416 पर भी मैसेज कर जुड़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं।